Hello, assalamu alaikum, adab, wadakam. Shayad kya ba aayi laj shayad bhai jaan ho rahi hui. Hello, assalamu alaikum, adab, wadakam. Thik shu khashpar chhu, this is your Idrees Meer and welcome back to my channel. I hope ki aap sab theek honge, achhe se honge aur bahut hi maze mein honge. Hamare yahan kuch na kuch trending mein chalta hi hai. Kabhi controversies aur kabhi rantas. इन सब के बीच में ही हमारा कश्मीर फंसा हुआ है. जैसे हमें बचपन में स्टोरीज सुनाई जाती थी, हमें कहानियां सुनाई जाती थी जिनको हम कश्मीरी में रांट से दलील लवाना इंछू, या कोई बच्चा खाना नहीं खाता था या कोई बच्चा शरारत करता था उसके बाद हम बोलते थे कि ये मत करो वरना रांटस आ जाएगी, नतनी रांटस. और यही सब हमारे दिमाग में चलता रहा. और आज कुछ ऐसे चंद लोग जो अपने फायदे के लिए लोगों को डरा रहे हैं. देखें, हम पहले से बात करेंगे. सबसे पहले आप ये वीडियो एक बार देखें कि इसमें ये हो क्या रहा है और बोल क्या रहा है, एक बार देख लें. पहले कुछ और कहानी थी, जरा आवाज सुनिए. आपकी आवाज आपको बताएगी कि कल रात को साउथ कश्मीर के पुलवामा से लेकर दूसरे इलाकों में ये खौनखार, ये दहशत भरी आवाज कौन सी थी. आपने देख लिया. सबसे पहली बात, रांटस शहरिश थे वनान मे तर समझ मे उस वनुक तान बूजमुत रांटस महिवस योत या लड़कस योत अमिस क्या शहरिशस कर, मुझे समझ नहीं आ रहा. हमें बचपन में बोलते थे कि रांटस नहीं हो, वो फिर खुद के साथ आपको शादी करवाएगी, फिर वहीं गुफा में रखेगी. तो यही हमारे दिमागों में बिठाया गया था. लेकिन अब शहरिश भी आ गई, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रांटस छू क्या है, अमिस क्या जेंडर छू. चलो वो आगे आगे खैर पता चल जाएगा. लेकिन ये आपको नहीं लग रहा है जैसे ये रांटस इंडियन आइडल का ऑडिशन दे रही थी, पूरा इको रिवर्ब सब कुछ माइक पे दे रखा है इसने और ज़बरदस्त अपने मेलोडियस आवाज़ में ये नाम पुकार रही है. तो यहीं पे आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें फेक है, इशू फंद, ये बस हम लोगों को डराने के लिए है और इनको अपना फ़ायदा निकल रहा है. आप बोलेंगे कैसे मैं ये कैसे बोल रहा हूँ. देखिए, पहली बात तो अगर ये कोई जानवर है तो जानवर बोल नहीं सकता, जानवर बात ही नहीं कर सकता. ना इसना इस्लामिकली ये प्रूव है और ना ये साइंटिफिकली प्रूव है. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये जी हाँ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है या हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम जो है वो जानवरों के साथ बातें करते थे. लेकिन जानवर वहाँ पे इंसान की बोली नहीं बोलते थे, जानवर वहाँ पे अपनी बोली बोलते थे. लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम उनको उनकी भाषा समझ आ जाती थी. तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आप ये समझ जाएं यहाँ पे. तो अब रही बात कि क्या फ़ायदा है इन लोगों का जो ये सब करते हैं, इन लोगों का क्या फ़ायदा है. सबसे पहले अगर आपने सुना होगा अपने घर वालों से, 93-94 में मैंने भी सुना है, 93-94 में ऐसा हुआ करता था कि सब बोलते थे कि बूथ है वो. फिर कोई चंद अनासिर जो है, शर पसंद अनासिर जो है, वो क्या करते थे कि वो कपड़े पहन के लोगों को डराते थे और लोग अपने घरों से निकलते थे उस बूथ को ढूंढने के लिए और पीछे घर में चोरी हो जाती थी. सेम ऐसे ही जब जलजला हुआ था, जब कश्मीर में सबसे बड़ा जलजला हुआ था, तब भी यही अफवाहें फैलती थी कि घर से बाहर निकलो अभी जलजला होगा और पीछे क्या होता था, चोरियाँ हो जाती थी. ऐसा ही हुआ सैलाब में भी, सैलाब में ये बोला सबको निकाला गया और पीछे से क्या हुआ कि चोरियाँ हो गई. उसके बाद बाल काटने का सिस्टम हो गया, तब भी लोग फिर पीछे दौड़ते थे, अपने लोगों के पीछे दौड़ते थे इधर उधर और क्या हुआ कि पीछे से चोरियाँ हो जाती थी. अब सेम वैसा ही फिर से हो रहा है, घरों से निकाल रहे हैं लोगों को रांट छाड़ने खातर और पीछे से चोरियाँ हो रही हैं. तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों में मत फंसें. ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को डराते हैं. तो आप इन चीज़ों से बाहर आए, कम से कम थोड़ा सा सोच लीजिए कि ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है. हाँ, जानवर हो सकते हैं. आजकल कश्मीर में शेर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वो इसलिए कि जंगलों में बर्फबारी होती है और वो नीचे आ जाते हैं खाना ढूंढने के लिए. तो ये पॉसिबल है, ये चीज़ें जो है ये हम समझ सकते हैं. लेकिन फिर अपने फ़ायदे के लिए लोगों को डरना और फिर हमारा डर जाना, तो यहीं पर थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हमारा ईमान कमज़ोर है. तो ये वीडियो जो इस वीडियो का मकसद बस आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना था, रांटस दलील जो है इसको क्लियर करना था. रांटस वांटस कुछ नहीं होती. हाँ, जानवर हो सकते हैं, लेकिन जानवर माइक पे इको आवाज़ में ऐसी चीखें नहीं मारते हैं. तो इन चीज़ों से आप बचें, थोड़ा थोड़ा बहुत सोचें इस बारे में.
तो आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आप अब डरेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।